नमस्कार। 19 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार। सर्वप्रथम आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिनका आज जन्मदिन है उनको आज भुवन भास्कर को अर्घ देकर के अपने दिन का शुभारंभ करना चाहिए। इंतजार है इस साल का कि ये साल हमारा कैसा जाएगा, इस साल में हमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, इस साल में हमारा करियर कैसा रहेगा। तमाम प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होते हैं। तो ये जानते हैं कि इस साल का आपके लिए समय कैसा रहने वाला है, कहां पर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी और कहां पर आपके लिए तेजी से आपको भागना पड़ेगा जिससे कि सफलता आपको प्राप्त हो सके। एजुकेशन क्षेत्र के सभी बच्चों के लिए हम कहना चाहेंगे कि आपको इस साल कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा हमारा लर्न कर रहा होता है लेकिन उसको चीज़ें स्मरण नहीं होती हैं। कई बार बच्चा हमारा बहुत हम प्रयास करते हैं कि बहुत अच्छे से निकल जाए, अच्छी पढ़ाई कर ले, लेकिन नहीं कर पाता है। उसका कारण उसकी गृह स्थिति बनाती है। लेकिन इस साल में अगर आप अपने बच्चे की तरफ पूरा फोकस करेंगे तो सफलता आपके बच्चे को अवश्य मिलेगी। नौकरी पेशे वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको थोड़ी सी मानसिक चिंताएं इस साल में जरूर बनी रहेंगी लेकिन परिवर्तन का भी योग प्रबल बन रहा है। अगर कोई परिवर्तन का मौका अगर आपको मिलता है या जिस जगह पर आप कार्यरत हैं वहां पर अगर कोई पद उन्नति अगर आपकी होती है तो आपको तुरंत आपको कंप्लीट करना चाहिए, उसको लेना चाहिए आपको। अगर कोई परिवर्तन स्थानांतरण अगर आपको का ऐसा समय आपको मिलेगा तो आप अवश्य करिएगा। और क्योंकि इस साल में आपको मिलना है क्योंकि परिवर्तन क्षेत्र आपका काफी प्रबल है और इस परिवर्तन से आप जीवन में तरक्की करेंगे। यहाँ पर अगर हम वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो अपनी वैवाहिक जीवन को लेकर के मानसिक चिंताएं इस साल में पूर्ण रूप से बनी रहेंगी। और जिनको संतान की प्राप्ति के लिए वर्षों से इंतजार करना पड़ रहा था तो इस साल में यानी कि 19 दिसंबर से लेकर के नेक्स्ट ईयर 19 दिसंबर तक में खुशखबरी जो है कि मिलेगी। हाँ, अगर एक चीज है कि अगर मेडिकली रूप से इस अगर आप ठीक हैं तो इस वर्ष में जो है कि संतान सुख आपको प्राप्त अवश्य होगा, बशर्ते आपको कुछ रेमेडी कुछ उपाय आपको करने होंगे इस साल में जिससे कि आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए ये साल जो है कि काफी अच्छा जाएगा। व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं, व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है, शुभ यात्रा हो सकती है आपकी, यानी कि शुभ मतलब कि बाहर की यात्रा हो सकती है और उस यात्रा से बहुत अच्छा बेनिफिट आपको लाभ मिल सकता है। स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, नेम फेम यश की भी प्राप्ति होगी, पद और पावर अगर ये दोनों चीजें अगर हमको प्राप्त हो जाती है तो हम बड़ी ऊंचाइयों पर बड़े बहुत बड़े शिखर पर होंगे। तो ये साल में जो है कि आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप किसी क्षेत्र के लिए तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूर्ण रूप से मेहनत खूब करनी है, सफलता आपको प्राप्त होगी। करियर पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो है काफी अच्छा रहने वाला है। मैरिड लाइफ को लेकर के थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर है क्योंकि आपका पूरा फोकस अपने जीवन साथी की तरफ रहेगा और जीवन साथी का पूरा फोकस दूसरी तरफ रहेगा। मेरे कहने का तात्पर्य है वो अपने कार्यरत में इतना व्यस्त हो जाएंगे जिसके कारण से आपकी तरफ पूरा फोकस नहीं हो पाता और नहीं हो पाएगा तो वहीं थोड़ा सा नोकझोंक पति पत्नी के बीच में हो सकता है। सावधानी बरतें। कहते हैं कि जिस घर में स्त्री पूजा पाठ करती है उस घर का पुरुष हमेशा तरक्की करता है। तो आज आपको हम बताना चाहेंगे कि आज पूरे वर्ष तक माँ हैं, बहन हैं, बेटियाँ हैं, अपने घर में पूजा संध्या वंदना की अवश्य करिए आप। और संध्या वंदना करने के पश्चात में आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक तिल के तेल का दीपक अवश्य जला करके रखिए। घर से निकलते समय राइट साइड में होना चाहिए, 2-3 दाने उसमें जो है कि आपको डाल देना चाहिए। और साथ में आपको उपाय जो करना है शनि देव का आपको उपाय करना है। ओम सम शनिश्चराय नमः। शनिवार और मंगलवार हनुमान जी के दर्शन तथा शनिवार के दर्शन करें और हनुमान जी का प्रसाद का भोग अवश्य लगाएं। ये पूरे साल करेंगे निश्चित रूप से कि आपका पूरा साल बहुत अच्छा जाएगा। जय श्री राधे।